प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर द्रौपदी मुर्मू ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया था उसको तय करते हुए वो पार्षद से ऊपर उठी, विधायक और उसके बाद राज्यपाल बनी और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा चुकी हैं। जीत हो गई है उनकी स्पष्ट। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर जो उन्हें आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। शैलेंद्र, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर कार्य करने वाली एक महिला को सर्वोच्च पद मिला और ये पल वाकई अनूठा है। देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, उन्हें बधाई दे। निश्चित तौर पर ममता, और आज एक इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। आज एक इतिहास का गौरवशाली क्षण जब भारतीय लोकतंत्र में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला वो सर्वोच्च पद हासिल होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। निश्चित तौर पर ये जो गौरवशाली क्षण है, आज जो गौरवशाली दिन है, पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा जो सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, दरअसल वो दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सभी समुदाय के सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से आदिवासी समाज से आने वाली महिला सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम उस इतिहास बनते हुए दिन देख रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आह्लादित करने वाली हैं, वो उत्साहित करने वाली हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े देखिए, उनकी जीत तो सुनिश्चित थी जी। इस चुनाव में, चुनाव से पहले ये लगभग तय था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीतने वाली हैं, द्रौपदी जी। लेकिन ये मुझे बहुत सहज लगा कि यशवंत सिन्हा जी ने उनको बधाई दी है और अपनी हार मान ली। देखिए, यशवंत सिन्हा जी की हार तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर ये कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू ही एनडीए के उम्मीदवार होने जा रहे हैं तो शायद हम अपना निर्णय बदलते। तो ये जो एक तथ्य सामने आया, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि विपक्ष ने जो अपनी एक एकजुटता अपमान देने के लिए खड़ा किया था वो एक एकजुटता जो इधर बिधर होगी, तहस नहस होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के बाद लगातार इतने ही क्षेत्रीय दल के समर्थन में आते गए और इसी कारण से उनकी जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो गई। मेरा मानना है कि उनको 65% से ज्यादा मत मिलेंगे। लेकिन इस चुनाव में एक जो पर्दे के पीछे राजनीति हुई, मैं समझता हूँ उसकी चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। ममता बनर्जी ने पहल करके एनडीए के उम्मीदवार से पहले विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर, और वो उन्होंने इसलिए किया कि वो शायद कांग्रेस के मुकाबले में एक विपक्षी एकता की पहल करना चाहते। ये आमतौर पर माना जाता है कि जो प्रमुख विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस है उसको ही पहल करके विपक्ष का उम्मीदवार तय करना चाहिए था। और आमतौर पर ये भी देखा गया है कि विपक्ष हमेशा अपना उम्मीदवार सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के बाद तय करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मात देने के लिए ये चाल चली थी। और दूसरी एक और चाल जो विपक्ष की एकता के नाम पर चली गई थी, मैं यशवंत सिन्हा जी का सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनको विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे भी एक राजनीति थी कि आप भाजपा के पूर्व में रहे हुए नेता को आप अगर खड़ा करेंगे तो ऐसे कुछ ज्ञानवान लोग विपक्ष में इस तरह की रणनीति बना रहे थे कि शायद एनडीए में और मोदी खेमे में कहीं बिखराव दिख जाए और हो सकता है कि कुछ भाजपा के लोग भी यशवंत सिन्हा को मत दे। लेकिन हुआ पूरा उल्टा, भाजपा और एनडीए तो एकजुट रही लेकिन विपक्ष तितर बितर हो गया। तो ये जो पर्दे के पीछे रहा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो पहल ममता बनर्जी को करने दी ये एक बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि अगर कांग्रेस पहल करती, आपने चूंकि टीएमसी की बात की है तो टीएमसी जाहिर है कि विपक्ष की एकता राष्ट्रपति चुनाव में तो खंडित नजर आई ही हमें, लेकिन
उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी ये जो विपक्षी एकता तार तार होती नजर आ रही है, क्योंकि आज टीएमसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो विपक्ष का है उनके भी समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो एब्सटेन करेंगे वोटिंग से। देखिए यही चाल की ओर मैं इशारा कर रहा था। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की भूमिका में पहल करने का काम ममता बनर्जी करती हैं, कांग्रेस को नहीं करने देती, लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को कांग्रेस पहल करती है तो बाकी विपक्षी दलों में से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये दिखाता है पर्दे के पीछे। अशोक जी एक मिनट आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश के जरिए लिखा है, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उन्हें वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें बधाई दी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो, और इसे लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी है। तो जाहिर है अशोक जी की ये बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाकर बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के आवंटित निवास स्थान पर उन्हें बधाई देने के लिए। इसके लिए गर्व की बात है, भारत के लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है, हमारे संसदीय लोकतंत्र की परिपक्वता का नमूना है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत जैसा लोकतंत्र पंक्ति में अंतिम अंत्योदय देश की समाज की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को भी सर्वोच्च स्थान दे सकता है, और ये हमारी। लेकिन इसमें जो मैं पहले बात कर रहा था राजनीति की, वो विपक्ष की जो पर्दे के पीछे खींचा तानी चल रही है कि पहल कौन करे, विपक्ष की भूमिका में तृणमूल कांग्रेस रहे या कांग्रेस रहे, ये एक पहलू है जिसकी ओर मैं समझता हूँ पूरे देश का ध्यान विपक्ष की ओर जाएगा कि एकता नहीं हो पा रही। लेकिन आज का दिन राजनीति का नहीं है, आज का दिन देश के लोकतंत्र को एक तरह से मैं समझता हूँ सल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने इस प्रकार से एक सर्वोच्च पद